आपकी गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग कहीं भी शो नहीं कर रही थी या सस्पेंडेड थी, इसलिए आपने दूसरी लिस्टिंग बनाई और पोस्ट कार्ड भी आ गया, लेकिन वेरीफाई करते ही वो फिर से सस्पेंड हो गई। अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ है तो आज जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसका सोल्यूशन क्या है। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम amittiwari.net और इस चैनल में हम बात करते हैं इंडियन बिजनेसेस की मार्केटिंग, प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग के बारे में हर मंडे और थर्सडे सुबह 8:30 बजे। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं तो इस वीडियो को अपने फेसबुक पर या ट्विटर पर शेयर करना ना भूलें, इट्स अ पर्सनल रिक्वेस्ट। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो ये चैनल ग्रो भी नहीं करेगा। सो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग से काफी बिजनेस आता है और इसके लिए ना तो किसी वेबसाइट की जरूरत होती है और ना ही किसी वेब डिजाइनर को हायर करना होता है। एक्चुअली गूगल का इस सिस्टम को डेवलप करने के पीछे लॉजिक भी यही था। अब कुछ साल पहले तक गूगल माई बिजनेस पर लिस्टिंग बहुत आराम से वेरीफाई हो रही थी और एक्चुअली में कोई भी गूगल सर्च कंसोल से ही जो है वो गूगल की लिस्टिंग को वेरीफाई कर सकता था। गूगल सर्च कंसोल वही जिसके बारे में गूगल सर्च कंसोल वही जिसे पहले गूगल वेब मास्टर्स कहते थे और जिसके लिए मैंने पिछले वीडियो में जिसके बारे में बात की थी। तो मेरे कहने का मतलब है कि सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे गूगल पर काफ़ी सारे बिजनेसेस बढ़ते गए वैसे वैसे कंपटीशन भी बढ़ता गया। और क्योंकि चाहे जितने बिजनेस एक कैटेगरी में लिस्टेड हो, सर्च रिजल्ट में हमेशा 3 बिजनेसेस का नाम ही आ सकता है, इसलिए लोगों ने एक बिजनेस के लिए 2 लिस्टिंग बनानी शुरू कर दी, 2 से 3 हुई, 3 से 4 हुई। नतीजा ये हुआ कि गूगल ने अपनी पॉलिसीज पर सख्ती दिखाते हुए ऐसी लिस्टिंग्स को सस्पेंड करना शुरू कर दिया जो एक ही एड्रेस पर बनी हुई थी। और ऐसा नहीं है कि अगर एक एड्रेस पर 3 लिस्टिंग बनी हुई है तो 2 को सस्पेंड किया और 1 को बने रहने दिया, ना जी, उन्होंने 3 लिस्टिंग को सस्पेंड कर दिया। क्योंकि जो टर्म्स एंड कंडीशन पर आप आई एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करते हैं ना, उसमें आप गूगल को ऑलरेडी परमिशन दे चुके होते हैं कि अगर आप उनके रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी लिस्टिंग को हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। एनीवेज, जब ये लिस्टिंग धड़ाधड़ सस्पेंड होने लगी तो लोगों ने नई लिस्टिंग बनाने के लिए अप्लाई किया, बट इसमें अधिकतर लोगों को एक ही प्रॉब्लम आती है और वो आती है लिस्टिंग को वेरीफाई करते ही सस्पेंड होने की। आप लिस्टिंग बनाते हैं, 10-12 दिन का वेट करते हैं और पोस्ट कार्ड आता है, आप पिन को एंटर करते हैं और लिस्टिंग वेरीफाई भी हो जाती है, लेकिन 10-15 मिनट के अंदर वो फिर से सस्पेंड दिखाना शुरू कर देती है। अब मैं इसका रीजन जैसे ही आपको समझाऊंगा आपको इसका सॉल्यूशन भी खुद ही समझ में आ जाएगा। गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग्स गूगल के सिस्टम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टोर नहीं होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि गूगल लिस्टिंग्स को जिस मंथ या डेट पर बनाया गया है उसके हिसाब से उन्हें कैटेगराइज किया जाए, बल्कि एड्रेस के हिसाब से कैटेगराइज किया जाता है। तो अगर एक एड्रेस पर बनी हुई लिस्टिंग को सिस्टम ने हटा दिया है तो उसी एड्रेस पर फ्यूचर में जो भी लिस्टिंग बनती है वो उसको भी हटा देगा, क्योंकि उसके हिसाब से आपकी लिस्टिंग नई या पुरानी नहीं है, वो बस है और उसे हटाना है। सो इस मुसीबत से बाहर कैसे निकलना है? नंबर 1, ध्यान से सोचिए कि आपने क्या गलती की है। कहीं आपने एक ही एड्रेस पर कई सारी लिस्टिंग तो नहीं बनाई है? अगर बनाई है तो एक को छोड़कर बाकी सबको डिलीट कर दीजिए। अगर आपने अपनी लिस्टिंग को फर्जी रिव्यू दिलवाए हैं तो उन्हें डिलीट कीजिए। अगर आपने अपनी लिस्टिंग के एड्रेस को वेरिफिकेशन के बाद गलत कर दिया है ताकि आप दूसरी लिस्टिंग सही एड्रेस पर बना सकें तो उसे भी सही कीजिए और दूसरी लिस्टिंग को डिलीट कीजिए। नंबर 2, रीइंस्टेटमेंट फॉर्म यानी कि सस्पेंशन हटाने के लिए जो रिक्वेस्ट की जाती है उसका फॉर्म जो है भरिए और उसको सेंड कीजिए। इस फॉर्म को कैसे भरना है उसका तरीका मैं डिटेल से एक दूसरे वीडियो में समझा चुका हूं, जिसका लिंक अभी आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, आप उसे क्लिक कीजिए, पूरा वीडियो देखिए और वो फॉर्म भरकर भेजिए। नंबर 3, रीइंस्टेटमेंट फॉर्म भरकर भेजने के बाद 24 घंटे के अंदर आपको गूगल माई बिजनेस टीम की तरफ से एक ईमेल आएगा। उस ईमेल के रिप्लाई में आप अपने पूरे केस को डिटेल से एक्सप्लेन कीजिए। आप चाहे तो इंग्लिश में जवाब दें या हिंदी में जवाब दें, लेकिन आप अपने पूरे केस को डिटेल से एक्सप्लेन कीजिए। लेकिन इस जवाब में यह मत लिखिए कि आपके आप जो अपने क्लाइंट्स हैं उनको सिर्फ ऑनलाइन डील करते हैं या फोन पर डील करते हैं। ये भी मत बताइए कि आपकी अलग अलग लोकेशन पर 4-5 और लिस्टिंग है जो चल रही हैं। आप अपने रिप्लाई में अपने कंपटीटर की भी कंप्लेन मत कीजिए कि उनकी लिस्टिंग्स चल रही हैं, आपकी क्यों हटा दी गई हैं। नॉर्मल केसेस में इशू 2-3 ईमेल्स के बाद सॉल्व हो जाता है और लिस्टिंग वापस आ जाती है। इस पूरी प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ऐसे केसेस में हायर टीम को मैटर एस्केलेट किया जाता है और इंटरनल रिव्यू में 2-3 हफ्ते तक लग जाते हैं। अब इतना टाइम क्यों लगता है आई डोंट नो, ऑब्वियसली काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं, बट गूगल के पास भी रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। और भले ही गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग्स फ्री हो, लेकिन ये सारे बिजनेसेस आगे चल के गूगल के पेड कस्टमर्स हो सकते हैं, चाहे वो एड्स यूज करें चाहे वो स्टोरेज यूज करें, बट किसी न किसी तरीके से वो गूगल के पेड कस्टमर होंगे। इसलिए गूगल को इस प्रोसेस को काफ़ी फास्ट करना चाहिए एंड आई होप कि फ्यूचर में वो करेंगे भी, बट अभी के लिए प्रोसेस काफ़ी स्लो है, 2-3 हफ्ते का वेट लग जाता है, तो इसलिए आप उस वेट को करने के लिए तैयार रहिए।
लेकिन हम यूजर्स को, बिजनेस ओनर्स को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हम इस फ्री फैसिलिटी को जिम्मेदारी से यूज करें, कंटेंट पॉलिसीज और गाइडलाइंस को पढ़ें और उसे फॉलो भी करें। मेरे एक्सपीरियंस में अधिकतर लोग अनजाने में ये मिस्टेक कर देते हैं, कई बार उन्हें नॉलेज नहीं होती है और जब तक रियलाइज होता है तब तक काफी सारे वायलेशन जो है वो ऑलरेडी हो चुके होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानबूझकर इन पॉलिसीज को फॉलो नहीं करते हैं और दूसरे बिजनेस को नुकसान पहुंचाते हैं। कई सारी कंप्लेंट्स मुझे मिलती हैं कि लोगों ने बताया है मुझे कि कुछ लोग जो है वो अपने एरिया के कंप्यूटर्स की लिस्टिंग को सस्पेंड जानबूझकर करवाते हैं। ऐसे लोगों से सिर्फ मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप बहुत स्मार्ट नहीं है, आप प्लेटफॉर्म किसी और ने डेवलप किया है, आप सिर्फ उसे अब्यूज कर रहे हैं, सिर्फ उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरे स्क्रिप्ट राइटर्स इस वक्त मुझसे मना कर रहे हैं कि मुझे सब नहीं कहना चाहिए, बट ऑनेस्टली अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं तो आप दूसरे को भी बिजनेस चलाने का मौका दीजिए, पॉजिटिव तरीके से कंपटीशन कीजिए, किसी और की लिस्टिंग को या किसी और के बिजनेस को नुकसान पहुंचा कर मत कीजिए, ऐसा कुछ मत कीजिए। हमें ऑलरेडी काफ़ी सारी कॉल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस इस टॉपिक पर मिलते हैं, इसलिए हमने सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो करके आपको ये टॉपिक समझाना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो बेहिचक पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम अमित तिवारी फ्रॉम amittiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।